हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा चैनल प्रेम जीपीआर के नाम से जो था, यह चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है जिसमें बताया गया है कि आपका चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसी के खिलाफ है और आपका यह चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। दोस्तों, यह देखिए, यह मेल आया है यूट्यूब की तरफ से जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें नहीं पता हमारा चैनल किस वजह से डीमोनेटाइज किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, आज हमने एक वीडियो डाली थी शाम के 5 बजे के समथिंग और हमारी वीडियो पब्लिक हो गई थी उस टाइम। लेकिन दोस्तों, शाम के 6:22 पर एक मेल आया कि आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। दोस्तों, हमें नहीं पता किस वजह से हमारा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। यह देखिए, इस मेल में बताया गया है काफ़ी कुछ। अब दोस्तों, हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए हमें। तो दोस्तों, ये देखिए, हम आपको अपना चैनल खोलकर भी दिखाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर भी काफ़ी हैं। दोस्तों, ये देखिए, अब हम अपने यूट्यूब पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, हमने यूट्यूब ओपन कर लिया है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं प्रेम जीपीआर। दोस्तों, ये देखिए, प्रेम जीपीआर हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर और सर्च मार देते हैं। तो ये देखिए, पहले नंबर पर ही हमारा चैनल आ जाता है। दोस्तों, हम इस चैनल को ओपन कर लेते हैं। तो यह देखिए, हमने 6 घंटे पहले ही ये वीडियो डाली थी। तो दोस्तों, एयरटेल पर जो 2GB डेटा का कूपन मिलता है उसको आप किस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में यह बताया गया है। दोस्तों, यह देखिए, हम इस वीडियो को थोड़ा प्ले कर देते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यह देखिए, और ये इस वीडियो की यह डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यह वीडियो डाली थी, 5 बजे पब्लिश की थी और 6 बजे हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। और पहली वीडियो भी हमारी काफ़ी हैं, जो कि दोस्तों हमारी अर्निंग भी आ रही थी इन वीडियो से। और दोस्तों, अब हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, तो हमारा अब अर्निंग बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है आप सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका चैनल भी कभी मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज हुआ है, तो आपने किस प्रकार से मोनेटाइज कराया या हुआ या नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।